चीन की एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार एक आदमी ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और एक सन्यासी बनना है। और वो ये सोचकर अपने गुरु के पास चला गया और कहा, गुरुजी, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरुजी ने पूछा, अरे क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब गुरु ने कहा कि ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं और तुझे भी उनकी तरह ही रहना है। आदमी ने कहा, ठीक है। और वो जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहने लगा। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वो रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं पर सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लग जाता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तो वो खुद ही उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वो बैठा रहता। वो सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वो बहुत शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है ये लिखना होगा, जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन ये उसे स्वयं से लिखना है, खुद के अनुभव से बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन ये काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने ये कर दिखाया। उसने दीवार फांद कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था, सबसे पहले, मन एक दर्पण की तरह है। दूसरी, जिसमें धूल जम जाती है। तीसरी, उस धूल को साफ कर दो। और चौथी, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोला कि ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन वो विद्वान ये लिखकर रात में ही भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके अपने नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरुजी को ये लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वो क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग ये मानते थे कि इतने सुंदर शब्द तो हैं, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है, वहीं उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। इसमें कहां कुछ गलत है, गुरुजी कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वो इससे ऊंची बातें कहां से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 आदमी एक दूसरे से बात करते हुए चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। उन चारों ने ये देखकर उससे पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात है भाई। तब वो बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस नासमझ ने ये लिखा है। ये सुनकर वो चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब, इतने सालों से बस चावल ही तो कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता, अगर ये लाइन गलत है तो तुम इससे अच्छा कुछ बताओ। वो आदमी बोला, ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ, किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये जान लो मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे ये उपाधि मिलती है तो मैं तो अभी अपने कान पकड़ता हूँ और अपने विचार किसी को नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। आदमी ने कहा, तो ठीक है फिर लिखो। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त कर लेता है। आधी रात को ये पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहां से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर ये बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। तू सत्य को प्राप्त हो गया है और आत्मज्ञान को पा लिया है, और ये शास्त्र जानने वाले अपना सर पीटते रह गए, इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को और ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है, वो है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है, मन भटकेगा, बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे, आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद ये नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे। एक समय आने पर आप खुद के विचारों पर कंट्रोल कर पाओगे। आप आने वाले कल या बीते वाले कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जियोगे, जो इस समय अभी आपके सामने है। आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या ज्ञान मिला। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए ध्यान करते रहिए।